कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम बैक करता हूँ आप सभी लोगों का मिंडाको गेमिंग एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में ना हम लोग फिर से अपना घर बनाने जा रहे हैं। फिर से का मतलब आप ऐसे मत समझना कि हमने तीन चार घर बना लिए होंगे। एक ही घर को बनाने के लिए हमने तीन पार्ट बनाए थे। छोटी छोटी वीडियोज़ करके हम लोगों ने सोचा कि छोटी वीडियोज़ हो गई तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और तीन पार्ट में बन जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा घर का जो है मेन काम होने वाला है। सबसे पहले तो बता देता हूँ आज हम क्या करने जाने वाले हैं। सबसे पहले ना आज हम लोग अपने घर के लिए कारपेट के लिए फ्लावर्स इकट्ठा करके लाने वाले हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ आज हम अपने घर के लिए लेके आने वाले डार्क ओक वुड। अब डार्क ओक क्यों लेके आने वाले हैं आपको पास जाइए, कहाँ यूज़ होने वाली है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत बड़ा बोल चुका हूँ, पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा, वरना शायद नहीं पता होगा। तो चलो सारा सामान इकट्ठा करने के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यार अभी बहुत मेहनत करने के बाद अब इस बार अपनों को मेहनत नहीं लगी। अपन देखो पिछली बार अपनों को कहाँ मिले थे, अपनों को मिले थे माउंटेन के ऊपर मिले थे फ्लावर्स, तो हम लोग बस वहीं गए और हम लोगों को ढेर सारे येल्लो फ्लावर्स मिल गए और हमने उनकी डाई बना ली है। अब देखो कुछ अपनों को ये वाले येल्लो फ्लावर मिले थे जो आपको सामने दिख रहे हैं और कुछ हमको सन फ्लावर्स मिले थे, बस हमने वही कर लिए। और पिछली बार की तरह शायद हमने पिछली बार रेड ही लिए थे, अब मुझे भी इतना याद नहीं है, लेकिन हम इस बार रेड लेने वाले, तो चलो रेड ले चलते हैं। शायद पिछली बार अपने रेड फ्लावर्स लिए, चलो इस बार भी हम लोग रेड फ्लावर्स लेने वाले हैं। तो चलो यार अब येलो ले लिए, अब रेड लेने चलते हैं। तो चलो चलते हैं भाई। घर बनाने के काम के अंदर मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं अपने विलेज को मतलब विलेज में कभी ऐसे घूमा नहीं, बस मैं आया बेड पे सोया और वापस उधर। ठीक है, इधर का इस वाले साइड का विलेज का मुझे कोई काम ही नहीं पड़ा। और आज तब पड़ा तो मुझे एक चीज़ पता चली, नोटिस करो सारे विलेजर कहाँ हैं। भाई देखो, भाई देखने की कोशिश करो इस फार्मर के अलावा विलेजर्स कहाँ हैं। और भाई इन्होंने खुद को यहाँ बंद कर लिया है, यहाँ तक कि जो बाहर से विलेजर आता है ये भी इसने बंद हो चुका है। अब आप पूछोगे कैसे भाई तूने किया है, मेरे को बकवास मत कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, इनको जब यहाँ से कोई काम पड़ता है तो ये लोग इस तरीके से यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब इस साइड में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस साइड में जाते जाते ये लोग इसके अंदर बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे ना मोर देन 60% यहाँ पे सारे विलेजर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले चलो इनको आज़ाद करते हैं। तो लेट्स गो भैया, बाहर आ जाओ सारे के सारे, चल चल तू भी चल। अरे भाई गाय और पिग्गी नहीं आनी चाहिए भाई, इनका पहले काम धाम सेट करते हैं और फिर भाई मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि यार मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे को जल्द मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, मेरे हर्ट भाई साहब टू हर्ट हो रखे हैं। सबसे पहले निकलते हैं और खाना खा के आते हैं, मतलब ब्रेड वगैरह ढूंढते हैं, विलेज में मिल जाएगी आराम से। गजर मैंने यहाँ पे सारे के सारे विलेजर्स को आज़ाद कर दिया है। अब भाई वहाँ पे आज़ाद करते हैं, उन लोगों ने मीटिंग भी बुला ली थी उस वेल के पास। अब भाई देखो मेरे हर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन जब मैंने उन लोगों को निकाला ना तो वहाँ पे देखो ये भाई यहाँ पे देखना, तो मैं भी दिखाता हूँ। मैं देखो जैसे मैंने उनको निकाला तो यहाँ पे अपने गोलम भाई इसके अंदर फंस चुके हैं और भाई ये वाला बंदा वहाँ पे इसके अंदर फंस चुका है। भाई इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा, वरना ये विलेजर्स लोग इसमें फंसते जाएंगे। इसका भी इलाज करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई अपने हर्ट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ दो हर्ट बचे हैं और इतने घर के काम में बस मैं एक दो बार मर गया। एक सेकेंड रुको भाई, मुझे खाने का इंतज़ाम करना है। राइट, अब जो खाने के इंतज़ाम के लिए मुझे जानवरों को मारना पड़ेगा या फिर यहाँ पे ब्रेड वगैरह या फिर वीट वगैरह ढूंढनी होगी। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बस विलेज है, विलेज के हर घरों के अंदर आराम से मेरे को चेस्ट मिल जाएगी। अब बस निकलते हैं और चेस्ट ढूंढते हैं एक बार, और अगर मुझे चेस्ट मिल गई, रुको मेरे को कंफर्म पता है इस घर के अंदर चेस्ट है जैसे कि मैंने बताया आपको। अब बस मुझे इसके अंदर अपना सारा सामान डाल देना है। अपने पास हेबेल है लेकिन उससे अपन अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं। अभी आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आप दंग रह जाओगे, बोलोगे वाह भाई वाह। अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना अभी तक, तो भाई समझने वाले लोग जो जल्दी जाओ कमेंट कर दो कि आपने किस टाइम पे वीडियो की किस टाइमिंग पे आपने गेस किया कि मैं ये करने वाला हूँ। तो भाई अभी आप लोगों को पता चलने वाला है। अरे वन टू थ्री क्या कर रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले तो अपने डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा और लेट्स मर जाओ। अब मरने के बाद मुझे क्या करना है, रिस्पॉन दबाना है, हंगर और हर्ट दोनों फुल, और अपना सामान मैं वहाँ से जाके निकाल सकता हूँ। थोड़ा मतलब
हार्ड वर्क करो साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, कहते हैं ना, तो बस स्मार्ट वर्क साथ साथ में करो। हार्ड वर्क भी जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क के बिना हार्ड वर्क कोई काम नहीं आता। तो सबसे पहले अपन सोते हैं, बाद में करेंगे ये फालतू की बकवासें। थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिया क्या मैंने? सबसे पहले सो जाते हैं यार यहाँ पे। फिर सुबह भाई, अब भाई बस घर के ऊपर ध्यान देना है भाई। पिछली बार तो अपने लक था कि विलेज के जस्ट साइड में हमको डार्क ओक बायोम मिल गई। इस बार भाई नहीं है, मैं घूम चुका हूँ फ्लावर कलेक्ट करने वाले टाइम पे, मैं घूम चुका हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी डार्क ओक बायोम नहीं है। अपनों को अभी आयरन ढूंढना है। देखो 9 आयरन इंगट अपने पास, मतलब आयरन नगट अपने पास है, नगट है, आयरन इंगट होते ना 9 तो बात ही बन जाती है। बस अपने पास अभी ना वो क्या नाम है, 9 आयरन नगट है। अब नगट से अपन एक आयरन बना सकते हैं, लेकिन हमको अभी चाहिए एक और आयरन। अब एक आयरन मेरे को ढूंढना पड़ेगा, वो चलो ढूंढते हैं भाई। अब भाई आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि मुझे भाई अब मेरे को कॉपर से चिड़ोने लगी है भाई, मुझे कॉपर से चिड़ होने लगी है भाई। यहाँ देख रहे हो, यहाँ अगर कॉपर नहीं होता तो यहाँ 2 आयरन होते, लेकिन यहाँ पे कॉपर आ गया। बस इसी वजह से तो मुझे इस कॉपर से इतना चिड़ोने लगी है। अब पहले मुझे कॉपर ज़्यादा इरिटेट नहीं करता था, लेकिन अब भाई यहाँ पे अगर कॉपर नहीं होता तो यहाँ आयरन होता यार। अब मैं क्या करूँ यार अब इसका, यार इस कॉपर का। लेकिन आप सोच रहे हो यहाँ पे कैसे आ गया मैं, यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ है लावा, और लावा के पास अपने को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डायमंड में मिल जाए, तो वो तो आयरन तो मिल ही जाने के हैं, ठीक है। और मैं बहुत जहाँ देख आया हूँ, यहाँ ऊपर एक केव है, केव से नीचे कूद के यहाँ पे आया हूँ मैं, और फिर मैंने अपना हंगर फूल किया यहाँ पे जैसे जैसे मार मूर के। और भाई अब देखो मुझे ना, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आयरन अभी तक नहीं मिला है, तो वो तो ढूंढना पड़ेगा ही। और भाई उल्टा अपनों को ना, अब अपनों को और मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को जितना उम्मीद थी कि यहाँ पे आयरन मिल जाएगा सामने ही, लेकिन नहीं मिला हमको बिल्कुल भी, यहाँ पे सामने आयरन नहीं मिला। अब अपनों को और आयरन ढूंढने पड़ेंगे, तो आयरन ढूंढने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आप सोच रहे भाई क्या पार्ट 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 कर रहा है भाई, बना देना एक ही पार्ट में। भाई आप थोड़ी बहुत मजबूरी समझा करो मेरी, कि भाई अपना जो फ़ोन है वो एकदम हाई क्वालिटी का नहीं है, मैं इतनी गेमिंग इसमें नहीं कर सकता हूँ। एक बार आप मुझे सपोर्ट करना चालू करो, सपोर्ट करने के बाद मैं आप लोगों को ग्रांटेड इतनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी और वीडियो दूंगा कि आप लोग दंग रह जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों का शेयर करो ताकि वो लोग भी देख पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।